Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is Unit 4, Unit 7, which is Sultan Ahmed Masjid. Today, we will discuss the exercise questions of this very unit. After the lecture, you will write these questions in your copies as well. ठीक है, ये कल आप लोगों को पते हैं, जो लोग आए थे ये हमने उसकी ट्रांसलेशन जो है वो पूरी की थी। अब ये जो हैं ये यूनिट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से हैं, ठीक है, जो बॉक्सेस में भी पूछे गए हैं उस यूनिट के, उधर से हम स्टार ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे के पास पहले से लिखी गई है पुरानी कॉपीज पे क्वेश्चन, अगर वो याद किए हैं आप लोगों ने, तो इन्हीं को आप नई कॉपी में नाइन्थ की उसमें लिख लेंगे। ठीक है, अगर जिसने पहले से काम नहीं किया, वो इस पीडीएफ को मैं शेयर करता हूँ क्लास के बाद, तो इस पीडीएफ में से देख के वो क्वेश्चंस आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो जिसके पास पहले से हैं तो वो बेशक जो है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो दोबारा से जो है इसको लिख के याद करने की जरूरत नहीं, जो पहले से याद किए गए क्वेश्चन हैं इन्हीं को आप अपनी नई जो कॉपी आप लोगों ने बनाई है नाइन्थ की, तो उसमें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस आया है इस बार भी बोर्ड की तरफ से, तो उसमें कहा है कि क्वेश्चन जो एक्सरसाइज क्वेश्चन इनके अलावा विद इन यूनिट जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकती हैं इनसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो इस रिलेटेड हैं, कुछ ये बॉक्सेस के अंदर पूछे जाते हैं, जो पैराग्राफ के बिल्कुल एंड पे आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वहां भी आपको क्वेश्चंस कुछ एक दो नजर आएंगी। तो वो हैं, फर्स्ट है हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क। ठीक है, यानी नीली मस्जिद जो है इसकी तामीर किसने स्टार्ट करवाया था, किसने शुरू किया था। ठीक है, तो अहमद वन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मॉस्क In 1453 to 1923, ठीक है, यानी अहमद वन ने ये मस्जिद जो है उसकी तामीर शुरू करवाई थी। ठीक है, किस दौरान, 1453 से लेके 1923 के दौरान। ठीक है, आगे हैं टू, इन हूज रेन द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। ठीक है, किसके दौर हुकूमत में ये कंस्ट्रक्शन जो है वो मुकम्मल हो गई थी। ठीक है, तो द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ मुस्तफा वन। ठीक है, यानी अहमद वन ने शुरू करवाया था, लेकिन इसकी जिंदगी में ये तामीर मुकम्मल नहीं हो चुकी थी, मुस्तफा वन के दौर हुकूमत में ये कंप्लीट हुआ था। रेन कहते हैं दौर हुकूमत को। ठीक है, आर ई आई जी एन। ठीक है, ये थोड़ा सा कट किया इधर, आर ई आई जी एन है। तो द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ मुस्तफा वन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, फॉर व्हाट पर्पस डज अ हेवी आयरन चेन हैंग देयर। ठीक है, ये आयरन चेन जो हमने सबक में पढ़ा था वो लटकाई गई थी, उसकी मशरिकी समत दरवाजा था उस पे, तो वो किस मकसद के लिए लटकाई गई थी। ठीक है, तो इसमें है अ हेवी आयरन चेन हैंग देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हैट एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट in order not to get hit, and also the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. ठीक है, humility है ये, humility, humility, आजजी। ठीक है, यानी वो इसलिए लटकाई गई थी, इसका तर्जमा बता रहा हूँ कि सुल्तान जब भी वो बादशाह इंटर होगा, उसमें दाखिल होगा, तो उसको अपना सर जो है नीचे करके दाखिल होना पड़ेगा। ये अलामत के तौर पर लगाया गया था, कि अलामत किस चीज की थी, कि अल्लाह ताला के सामने जब हाजिर होगा तो आजजी के साथ, ठीक है, हाजिर हो जाएगा, तो इस वजह से लटकाया हुआ था। वेयर इज द रॉयल रूम सिचुएटेड। ठीक है, जो शाही कमरा था वो कहाँ वाका था, तो द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। ठीक है, यानी मशरकी समत पे वो दरवाजा, सॉरी, वो रूम जो है, शाही कमरा जो था वो मौजूद था। ठीक है, ये इस बारे में है। अब आगे चलते हैं।
जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो देख लेते हैं। तो ये हो गई है वोकैबुलरी, ये जो वर्ड्स मीनिंग हम कर रहे थे ये बुक पे भी एज इट इज है, ये ऐसे ही याद कर लेंगे आप लोग। यहाँ से सिनोनिम एंटोनिम आप लोगों को पूछे जाते हैं। देन अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो व्हाट मेक्स द ब्लू मॉस फेमस इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो ब्लू मस्जिद जो है वो किस वजह से दुनिया में मशहूर है, ठीक है। तो द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, ठीक है, एम्बेलिश सजाना यार उसके अंदरूनी जो हिस्सा है उसको नीले टाइलों से सजाया गया है, जो कि उसको दुनिया में एक मुमताज और एक अलग हसियत की मस्जिद बनाता है, ठीक है। ये है तो द ब्लू टाइल्स देयर एम्बेलिश इट्स इंटीरियर मेक इट फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आप लिख लेंगे, द ब्लू टाइल्स देयर एम्बेलिश इट्स इंटीरियर मेक इट फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो जहां से आप लोगों को, फिर से मैं बता रहा हूँ, जहां से आपको क्वेश्चन इजी लगता हो, ठीक है, पहले वाला या ये, तो वो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप इस तरह भी कर सकते हैं, पहले से लिख सकते हैं जो आपको याद है और आपको आसान लगते हों, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसी पीरियड में से जो आपको यहाँ से इजी लगते हों वो उठा के आप लिख सकते हो, ठीक है, मिक्स करके लिख सकते हो, कहने का मतलब ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, विच फीचर ऑफ द मॉस्क डस अपील टू यू द मोस्ट एंड व्हाई, ठीक है। तो कहते हैं मस्जिद का वो कौन सा हिस्सा है, ठीक है, या वो कौन सा फिगर है जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो, ज्यादा आप उससे मुतासिर हैं, ठीक है। तो कहता है द डिजाइन ऑफ द ब्लू मॉस्क अपील्स मी, उसकी जो बनावट है, डिजाइन मीन्स यहाँ बनावट स्ट्रक्चर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो नीली मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो मेरे लिए बहुत दिल लुभाने वाली चीज है, मी द मोस्ट बिकॉज इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो कहते हैं इसकी बनावट सजावट जो है वो मेरे दिल को बहुत लुभाती है, क्योंकि ये मुसलमानों की जो फन तामीर है, मुसलमानों का जो तामीर करने का फन है, वो जाहिर होता है कि मुसलमान जो है आज से कई साल पहले जो है उनकी तामीराती काम कैसे होते थे इसको जाहिर किया गया है, जिसकी वजह से ये मेरे लिए अपीलिंग होते हैं, अपीलिंग है यानी मैं अट्रैक्टिव होता हूँ इस पे जो है, इससे मुझे इंटरेस्ट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन से है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ए मैं ये पढ़ रहा हूँ जहां मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, ए उसने लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, ये यूनिट के क्वेश्चन से है। वाई सुल्तान अहमद इज आल्सो नाउन एज ब्लू मॉस्क, ठीक है, तो सुल्तान अहमद मस्जिद जो है उसको ब्लू मॉस्क भी कहते हैं, तो ये क्यों कहा जाता है। तो सुल्तान अहमद इज आल्सो नाउन एज द ब्लू मॉस्क बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, ठीक है, यानी सुल्तान अहमद मस्जिद को ब्लू मॉस्क इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो ब्लू नीले टाइल्स हैं उनसे मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा सजाया गया है, जिसकी वजह से उसको नीला रंग होने की वजह से ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉस्क, ठीक है, यानी इसका जो जो वो था तामीर करने वाला काम जो है वो किसको सौंपा गया था, ठीक है, किस बंदे ने तामीर का काम शुरू किया था, वहां पे अपॉइंट किया था, उसको लगाया था काम करने के लिए, तो वो है द रॉयल आर्किटेक्ट, जो शाही फन तामीरात का माहिर आदमी था, कौन था, सदफर महमद आगा, ठीक है, सदफर महमद आगा था जिसको वॉज अपॉइंटेड एज एन आर्किटेक्ट ऑफ द मॉस्क बाय द सुल्तान एंड आल्सो इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो शाही फन तामीरात का माहिर आदमी सदफर महमद आगा था,
इनको मस्जिद के तामीर के लिए लगाया गया था, और साथ ही उसको सारी जिम्मेदारी जो है वो उसको सौंप दी गई थी मस्जिद बनने की। ठीक है, सारा प्रोजेक्ट जो है वो काम जो था, प्रोजेक्ट मींस काम, मस्जिद का सारा काम जो है उनके जिम्मे लगाया गया था। तो वो शख्स भर मेहमत आगा था, जो कि एक जो है तामीरात का माहिर शख्स था, जो कि ये जो शाही लोग हैं उनके मकान, उनके दफ्तर वगैरह चीजें बनाया करता था। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा हम देखते हैं, तो व्हाई वॉज अ हेवी आयरन चेन हैंग इन द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ भी ये क्वेश्चन है, तो वही सेम है। अ हेवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। ठीक है, मगरबी सिमत पे एक आयरन चेन दरवाजे के साथ लटकाई गई थी, जंजीर टाइप। दिस साइड वॉज मीन फॉर द सुल्तान एलोन, और ये जगह सिर्फ और सिर्फ सुल्तान जो शाह बादशाह था उसकी गुजरने की जगह होती थी। द चेन वॉज पुट देयर, चेन को वहां रखा गया था किस लिए? सो देट, ताकि द सुल्तान हैज टू लोअर हिज हैट एवरी टाइम ही एंटर द कोर्ट, ताकि सुल्तान जो है वो अपना सर नीचा करके जब भी कोर्ट में दाखिल हो, सर नीचा करके दाखिल हो जाए। इट वॉज द सिम्बोलिक जेस्चर, ये एक अलामत थी किस चीज की? टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी, या ताकि आजजी दिखाई जा सके किसके सामने? ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन, बादशाह जो है वो आजजी दिखाए अल्लाह ताला के सामने हाजिर होते हुए। ठीक है, तो ये इस वजह से आयरन चेन का मकसद ये था कि वो आजजी के साथ, इस्तिगफार के साथ जो है कोर्ट के अंदर फैसला करने के लिए दाखिल हो। ठीक है, तो इस वजह से उसमें कोई गुरूर तकब्बुर ना आ जाए, तो इसलिए वो अकड़ के ना चल सके, इस वजह से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क लुक। ठीक है, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसे नजर आता है, कैसा लगता है? तो इसमें है द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क इज एम्बेलिश्ड, यानी सजाया गया है अंदरूनी हिस्सा किससे? विथ ब्लू टाइल्स। ठीक है, नीले टाइलों से सजाया गया है, विच गिव्स इट्स इंटीरियर एन अट्रैक्टिव लुक। जो जो नीले टाइल्स हैं वो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को यानी ज्यादा निखार देते हैं, ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। ठीक है, फिफ्थ पढ़ रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन में है, व्हाई डू यू थिंक मदरसा इन होस्पाइस वॉज अ पार्ट ऑफ द मॉस्क। ठीक है, तो कहता है आप कैसे कह सकते हैं, या आप कैसे सोच लेते हैं, ठीक है, होस्पाइस जो है मेहमानों की जो ठहरने की जगह है, कोई मुसाफिर यानी जब गांव लेवल पे कहीं पे जाता है जहाँ पे कोई होटल वगैरह की सहूलत नहीं होती थी पुराने जमाने में, तो वहाँ एक कमरा नुमा मस्जिद के साथ बनाया जाता था जिसमें जो लोग हैं बाहर से आए कोई मुसाफिर वो ठहर जाते थे, उसको कहते हैं हॉस्पाइस। और मदरसा, तो मदरसा जहाँ बच्चों को दीनी तालीम दी जाती हो। ठीक है, स्कूल का उलट मदरसा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है मस्जिद के हिस्सा कैसे, ठीक है, ये सवाल है। तो कहता है मदरसा वॉज फॉर द स्टूडेंट्स हु केम टू एक्वायर, एक्वायर कहते हैं हासिल करने को, ठीक है, इस्लामिक नॉलेज। तो मदरसा इसलिए होता था कि लोग जो है इस्लामी तालीमात हासिल कर सके, एंड रिलीजियस एजुकेशन, एंड द हॉस्पाइस वॉज फॉर द नीडी एंड द इनसॉल्वेंट। ठीक है, और जो है हॉस्पाइस था वो इसलिए बनाई गई थी कि ताकि कोई जरूरतमंद या कोई लाचार बंदा जिसका कोई जानने वाला ना हो, वो अगर किसी गांव में या किसी जगह चला जाता है और उसको कोई ठहरने की जगह या रात गुजारने की जगह नहीं मिलती हो, तो वो वहां क्याम कर सकता था। ठीक है, तो इस वजह से वो दोनों जो हैं वो मस्जिद के साथ बनाए जाते थे, जिसकी वजह से वो मस्जिद का हिस्सा होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, सिक्स, टू हु कंस्ट्रक्टेड मॉस्क सोफिया। ठीक है, मॉस्क सोफिया जो है हमने पढ़ा था कि मॉस्क सोफिया जो है ऑटोमन एम्पायर की एक मस्जिद है, जिसकी बनावट जो है उसको मद्नजर रखते हुए ब्लू मॉस्क बनाया गया था। तो इसको कंस्ट्रक्शन किसने की थी? तो इसमें है हाजिया सोफिया मॉस्क, उसका पूरा नाम है हाजिया सोफिया मॉस्क। ठीक है, तो हाजिया सोफिया मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एन ऑटोमन कैलिफ। ठीक है, खिलाफत उस्मानिया के बादशाह ने या खलीफा ने, खिलाफत
हाजिया सोफिया मॉस्क जो है उसको तामीर करवाया था। ठीक है, तो यहाँ तक बात ये इन क्वेश्चंस की थी। ठीक है, वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। एक इसका एक्सरसाइज रहता है कुछ, वो भी मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा के, ये तो आप लोगों ने पहले कर भी लिया होगा। तो इसके बाद जो है इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। तो पहले है कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, थिसॉरस का मतलब है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी का दूसरा सिनोनिम है थिसॉरस। ठीक है, तो कहते हैं एम्बेलिश का सिनोनिम क्या होगा? डेकोरेट। ये आपके पेपर में आते होते हैं। ठीक है, एम्बेलिश डेकोरेट लिखेंगे आप भी अपनी, अगर आपके पास बुक है पहले से नहीं लिखा तो अभी आप बुक ओपन करके लिख सकते हो। ठीक है, तो एम्बेलिश का मतलब है डेकोरेट, DECORATE, डेकोरेट सजाना, एम्बेलिश भी सजाना, सजावट करना, दोनों बातें सेम है। दूसरा है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब है इकट्ठा करना। ठीक है, पुट टुगेदर, उसका दूसरा सिनोनिम है पुट टुगेदर, एक साथ करना। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर कहते हैं शानदार, मैग्निफिसेंस, ये भी शानदार, आला। ठीक है, तो मैग्निफिसेंस एंड स्प्लेंडर, मेजेस्टी, शान और शौकत, जलाल, तो इसका भी मैग्निफिसेंस, दोनों का सिनोनिम सेम है। ठीक है, इन चारों का मतलब, तीनों का मतलब सेम है, स्प्लेंडर, मेजेस्टी, मैग्निफिसेंस। ठीक है, इल्यूमिनेट का मतलब है रोशन करना, लाइट अप का मतलब भी है रोशन करना। ठीक है, देन वी विल मूव टू आस पॉइंट बी विच इज सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द गिवन चॉइस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो एंटोनिम का आपको पता है कि किसी भी वर्ड का उलट, ठीक है, उसका अगेंस्ट बताना है। तो इम्प्रेसिव वर्ड है जो बोल्ड करके लिखा है, द सुल्तान अहमद मॉस्क इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। तो इम्प्रेसिव मुतासिर कुन, तो इसमें अगली अन इम्प्रेसिव रिमार्केबल। ठीक है, तो इम्प्रेसिव का क्या होगा? अन इम्प्रेसिव। ठीक है, रिमार्केबल तो काबिले तारीफ ही होता है, तो इसका कर लेंगे आप अन इम्प्रेसिव। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट लाइन है, दूसरा लाइन है सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की, लार्जेस्ट सुमालेस्ट होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉपुलेटेड और सुमालेस्ट है, तो इसमें सुमालेस्ट के ऑप्शन को आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी, वो क्या नाम है, रेहान, सवाल है कोई? सर सर जी, जो आपने सुना करवाए हैं अभी, ये जी बुक पर कोई और हैं, सेम तो नहीं, कोई और हैं वो क्या है आपके ऑप्शन बता दे, वो बुक चेंज हो तो शायद दूसरे ऑप्शन हो। ठीक, एम्बलिश का, एम्बलिश सही है, इंटीग्रेट का कंबाइन मारा लिखा हुआ है, स्प्लेंडर का ब्रिलियंस लिखा, मैजेस्टी का रॉयल्टी ठीक और ठीक इल्यूमिनेट का ब्राइटन। ठीक है, यही कर ले, यही कर ले, ये ठीक आप बता रहे हैं। कुछ जो न्यू बुक्स आई हुई हैं, मेरे पास ये ओल्ड बुक हैं। ठीक है, तो वो एक दो बुक्स जो चेंज हैं उनमें वो वर्ड्स जो हैं वो दूसरे दिए गए हैं, ब्रिलियन, स्प्लेंडेड, ये चीज वो आप टिक कर ले। ठीक है, जिसके पास ये लिखा हुआ है वो फिर यही कर ले। ठीक है, थ्री है हेवी, हेवी का क्या होगा? हेवी भारी, लाइट हल्का, हेवी का लाइट कर देंगे ऑप्शन सी। अपर का ऊपर का हिस्सा, फिर उसका लवर नीचे का हिस्सा। ठीक है, तो अपर का लवर का तो गए, कवर्ड का स्प्रेड, एक्सपोज, डेकोरेटेड, तो इसमें एक्सपोज, कवर्ड बंद, एक्सपोज खुला हुआ। ठीक है, तो कवर्ड का आप लिखेंगे एक्सपोज। ठीक है, इसी तरह ये हैं मेरे पास कोई वर्ड्स जिनका सेंटेंसेस बनाने हैं, मीनिंग इम्प्रेसिव मुतासिर कुन आप लोगों को पता है, तो आप लोगों ने पहले से अगर सेंटेंसेस लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो ये आप लिख सकते हो, इम्प्रेसिव, द मेजर हैज अ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। ठीक है, मेजर की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है।
डेक्स्ट्रसली, महारत से, ठीक है, हुनरमंदी से. द इंजीनियर बिल्ट मेसन, मेसन बड़ी बिल्डिंग, वेरी डेक्स्ट्रसली, ठीक है, यानी बड़ी इंजीनियर जो है उसने बिल्डिंग बड़ी महारत से बनाई है. डेक्स्ट्रसली महारत को कहते हैं. स्पेशियस, कुशादा, खुला. तो अहमद लिव्स इन अ स्पेशियस हाउस, ठीक है, अहमद एक बड़े हाउस में, घर में रहते हैं. ह्यूमिलिटी, आजिजी. हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा वाज द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी, यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हु आजिजी और इस जो इनकसारी की अलामत थी. फ्लेम बॉयंट, रंग बरंगा, ठीक है. द फ्लेम बॉयंट डिजाइन ऑफ टाइल्स मेक्स दिस मॉस्क ब्यूटिफुल. इसमें रंग बरंगे जो बनावट शक्ल बनाए गए हैं तो वो जिनकी वजह से मस्जिद जो है वो खूबसूरत नजर आती है, ठीक है. लास्ट इज डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं. तो लास्ट है जना, ये कुछ एक्रोनिम्स हैं, इनमें से भी एक ऑप्शन आ जाती है, इनमें से पूछ लेते हैं. एब्रीविएशन कहते हैं वर्ड्स जो जिनका स्टार्ट लेटर लेके मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एक नाम दे देते हैं, उसको एब्रीविएशन कहते हैं. स्टेन फॉर वर्ड, तो पहला वर्ड हमारे पास जो है एब्रीविएशन, सॉरी वर्ड नहीं, वो है यूएसए. तो यूएसए को आप लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, पहले का होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूके है दूसरा, उसका होता है यूनाइटेड किंगडम. यूएई, तो इसके सामने लिखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी दुबई वगैरह लाके, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी यूनिट होता है उसको बोलते हैं आईसीयू, ठीक है. इंटेंसिव, इंतहाई निगहदाश्त, ठीक है, केयर, इंटेंसिव केयर कहते हैं इंतहाई निगहदाश्त. तो यूनिट हिस्सा, तो कहता है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट. एमबीबीएस, इसका मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी जो डॉक्टर होता है एमबीबीएस की डिग्री, उसका पूरा फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है. इस तरह पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी का डॉक्टर. इसी तरह एम फिल का मतलब होता है मास्टर इन फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी में मास्टर. इसी तरह PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है, नादरा, NADRA, ठीक है, इसमें होता है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी. यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है. ISSB का मतलब है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो आर्मी का सिलेक्शन बोर्ड होता है आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है, वो ISSB होता है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. वापदा जो वो होता है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये यानी वापदा वाले जो बिजली वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी. PTB, ठीक है, तो इसके तीन चार मतलब है पाकिस्तान टोबैको बोर्ड, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी बोर्ड और पाकिस्तान टैक्स बोर्ड, ये तीन है उसके, ठीक है. PTB से पाकिस्तान टोबैको बोर्ड है, टोबैको को यानी खत्म करने के लिए एक टीम बनाई है वो बोर्ड है. पाकिस्तान टेक्नोलॉजी बोर्ड है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंटरनेट वगैरह. पंजाब टैक्स बोर्ड है, जो बुक्स हैं, जो आपकी बुक है वो पंजाब टैक्स बुक बोर्ड की ही है, ठीक है. MNA, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का मेंबर जो है. और MPA का मतलब है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है. IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी रिलेटेड टू मनी, पैसों से मुतलिक. तो पैसों से मुतलिक एक तंजीम बनाई गई है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको IMF कहते हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों को लोन वगैरह देते हैं, तो वो है IMF वाले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में सेहत के हवाले से तंजीम है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WTO, ये वर्ल्ड ट्रेड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी दुनिया में जो सारे मामलात होते हैं ट्रेड से मुतलिक, खरीदो फरोख से मुतलिक, तो वो इसके जरिए से होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का मतलब है दुनिया में तालीम, साइंस और कल्चर के अतबार से जितनी बातें होती हैं वो होती हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आखिरी यूनिसेफ है। ठीक है, यूनिसेफ जो हर साल जो आते हैं मुख्तलिफ फ्लड्स में या मुख्तलिफ इस तरह के हादसा जिलजिला वगैरह में जो काम करते हैं वो यूनिसेफ वाले हैं। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया, तो ये थे कुछ जो वर्ड्स एब्रीविएशन जिनके फुल फॉर्म डिस्कस किए हैं, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो वो आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, आप इसके लिए हैंड रेस कर दें, देन मैं आप लोगों को एलो कर देता हूँ, फिर आप लोग बात कर सकते हैं। तो लीव आप फिलहाल ना कर दें जब तक मैं अटेंडेंस न लूँ, अटेंडेंस के बाद जो है आप लीव कर जाएंगे। ठीक है, तब तक अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन के लिए हैंड रेस करें, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।